हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने एक तीन प्रश्न लिए हुए हैं, समीकरण लिया हुआ है, और हम आप लोगों को आज इन तीनों प्रश्न को, तीनों समीकरणों को संतुलित करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला समीकरण है, हम ले लेते हैं। पहला समीकरण क्या है हम लोगों का, एफ ई टू ओ थ्री प्लस में है ए एल, इधर में है एफ ई प्लस ए एल टू ओ थ्री, जैसा कि पहला समीकरण हमारा। ठीक है, तो करना क्या, सबसे पहले आपको, पहले आपको जो ये एफ ई टू ओ थ्री है ना, ये इसका एक ग्रुप है, ये ग्रुप अलग है और ये अलग है। इसमें भी क्या है, आयरन अलग है और ए एल टू ओ थ्री अलग है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसको लिखते हैं। इसमें आयरन कितने हैं, तो बोलिएगा एफ ए टू है तो आयरन क्या है, दो है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बोलिएगा तीन है। ये कितना ग्रुप का है, ये सब दोनों एक ग्रुप का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलुमिनियम, एलुमिनियम ए एल, ये कितना है, तो बोलिएगा एक है, ये ग्रुप अलग है। क्लियर है, जो जितना है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखना है आपको, आयरन कितना है, तो बोलिएगा आप आयरन एक है। ठीक है, इसमें एलुमिनियम कितनी है, ए एल, तो बोलिएगा आप दो है। ऑक्सीजन कितनी है, तो बोलिएगा आप तीन है। ये दोनों ग्रुप एक में है और ये अलग ग्रुप है। इतना तक क्लियर है, अब करना है संतुलित। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, पहले चलते हैं हम यहाँ से, इसमें देखेंगे आयरन कितना है, दो है, आयरन कितना है, दो है, और इसमें आयरन कितना है, एक है। सबसे पहले संतुलित का मतलब होता है बराबर, जैसा कि ये है तो इधर एफ ई टू है तो इधर एफ ई टू होना चाहिए। ठीक है, संतुलित का मतलब होता है बराबर करना। ओके, चलिए यहाँ पे टू है, इसमें क्या करेंगे कि ये भी दो हो जाएगा, कम नहीं कर सकते इसको, अधिक कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन कितना हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। अगर दो से मल्टी, दो गुने एक करेंगे तो दो आयरन हो जाएगा, तो यहाँ भी दो आयरन, यहाँ भी दो आयरन हो गया बराबर। अब चलते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तीन है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, तीन है, ये ऑलरेडी बराबर है, इसको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बचा एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। अगर हम इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दें, दो गुने एक कितने हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो गुने एक दो हो गया। चलिए हो गया हमारा समीकरण संतुलित। अब जैसे जिस बॉक्स में आप, जिस बॉक्स में आप जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसको लिख दीजिए। तो फर्स्ट बॉक्स ये हुआ जो इसका, इसमें कोई मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। सेकेंड एलुमिनियम है, सेकेंड बॉक्स कहाँ, ये है, इसमें मैंने दो से मल्टीप्लाई किया था, आप लिख देंगे टू। क्लियर है, थर्ड बॉक्स क्या था, आयरन का था जो कि ये था, इसमें मैंने क्या किया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, दो। फोर्थ बॉक्स में मैंने कुछ किया था नहीं, ये मैं समीकरण को संतुलित हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर सेकेंड देखते हैं हम लोग, सेकेंड में क्या है, एन ए टू एस ओ फोर प्लस बी ए सी एल टू, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्या हम लोग का प्रश्न, सेकेंड प्रश्न है क्या है, एन ए टू एस ओ फोर प्लस में है बी ए सी एल टू, फिर समीकरण है बी ए एस ओ फोर प्लस में एन ए सी एल। तो जिस तरह हम लोग पिछला वीडियो में किए हैं, ठीक है, सेम उस तरह भी इसमें भी करना है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैंने बताया, ये सब क्या है, ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, ये क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, सभी, ये भी एक ग्रुप, ये भी एक ग्रुप। सबसे पहले इसे शुरू करते हैं हम लोग, ये क्या है एन ए, सोडियम कितना यहाँ पे, दो है, सोडियम यहाँ पे कितना है, दो है, ले लेंगे दो है।
एस अलग है, एसओ फोर ये कोई एलिमेंट नहीं होता है, सल्फर अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो यहाँ पे सल्फर कितना है, एक है, फिर ऑक्सीजन कितना है तो बोलिएगा चार है ऑक्सीजन, ये कितना हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब चलें हम लोग सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप क्या है, बेरियम है, जो बेरियम कितना है, एक है, क्लोरीन सी एल ये कितना है, दो है, ये ग्रुप हो गया एक, सेकेंड ग्रुप हो गया। अब चलेंगे तीसरे ग्रुप में हम लोग, तीसरे ग्रुप क्या है, बेरियम कितना है तो बोलिएगा अकेला है तो एक, सल्फर कितना है तो एक है, ऑक्सीजन कितना है तो बोलिएगा चार है, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ ग्रुप, सोडियम एन ए कितना है, एक है, क्लोरीन कितना है आपका सी एल, इसमें भी एक है। चलिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि संतुलन का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर करना, ठीक है, इसके बराबर इसको करना। ठीक है, यहाँ पे सोडियम से देखेंगे लोग, सोडियम कितना है, दो है, यहाँ पे कितना है, एक है, दो है और यहाँ पे एक है। अगर हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर दें तो याद रखें सिर्फ सोडियम में नहीं बल्कि दोनों एलिमेंट में दो से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सोडियम कितना हो जाएगा आपका, दो, क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे दो हो गया, यहाँ भी दो हो गया बराबर। अब यहाँ पे क्या, सल्फर, सल्फर कितना है, एक है, तो सल्फर यहाँ भी एक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है बराबर करने की। ठीक है, अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, चार है, यहाँ पे कितना है, चार है, ऑलरेडी बराबर हो गया। चलिए अब देखेंगे बेरियम, बेरियम यहाँ कितना है, एक है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक है, ये भी बराबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या बच गया, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो गो है, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी दो हो गया। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने क्या किया था, फोर्थ ग्रुप में केवल दो से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, हमारा समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बच गया तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे, एफ ई प्लस एच टू ओ इजिक्वल टू है एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ इसके लिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।